जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, जब हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो फिर क्या, असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं जिसमें ना तो सिर्फ अपने गांव का नाम ऊंचा किया है, बल्कि चंद्रयान 2 में अपनी भागीदारी कर देश का नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात किया है। कौन है यह शख्स और आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शख्स को क्यों दी बधाई? दिखाते हैं आपको खरगोन से हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा नीरज सत्ते आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 2 के सफर तक अपनी सेवाएं देने जा पहुंचा। जो निमाड़ की माटी में जन्मा एक मध्यम परिवार का बालक अपनी सेवा चंद्रयान 1 के समय भी अहम भूमिका निभा चुका है। हाल में ही छोड़े गए चंद्रमा पर देश के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 2 में वैज्ञानिक नीरज सत्ते ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर रहते तापमान को संतुलित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे समाचार एक्सप्रेस खरगोन के संवाददाता महेंद्र गुप्ता नीरज सत्य के पैतृक गांव पहुंचे और इतनी बड़ी उपलब्धि के बारे में उनके परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। नीरज सत्य के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। अपने पुत्र को चंद्रयान 2 में दल में देखते थे तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी हो रही थी और पूरे समय में उसकी टीवी देख रही थी 1:30 से 3:30 बजे तक, और छोटे से गांव से वो पढ़ के गया है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और परिवार को भी बहुत आनंद आ रहा है उसके कारण कि इतने छोटे से गांव पे पढ़ के इस लेवल में पहुंचा है। और माताओं को मैं शिक्षा दूंगी बोलूंगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए और आगे ऐसी उन्नति करवाए, गाँव में से भी पढ़ सकते हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम ललिता देवी सत्य। क्या? हाँ, वो पढ़ने में भी होशियार था और ऐसे वैज्ञानिक का कामों में उसकी रुचि बहुत लगी रहती थी। इसने बचपन की पढ़ाई कहाँ से की है? वो गांव से की और फिर नवोदय गया और फिर नवोदय से भोपाल पहुँचाया, बी करा और फिर एमके करने के लिए दिल्ली करा। ये बताइए कि आपका जो छोटा भाई है नीरज, वो चंद्रयान 2 में प्रोजेक्ट में दल में था, तो आपको किस रूप से महसूस करते हैं इस चीज को लेके? नीरज की इस उपलब्धि के लिए परिवार सबसे ज्यादा खुश है और ये बहुत खुशी का क्षण है कि नीरज इस छोटे से गांव से निकलकर इतनी उपलब्धि हासिल करी है। इसके लिए परिवार पूरा उसको बधाई देता है और इस गौरवान्वित पल के लिए हम लोग उसे पूरा बधाई देते हैं। और वो चंद्रयान 2 में है जो कि भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें वो कार्यरत है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, और इसके और उसकी इस उपलब्धि के लिए हम उसे बधाई देते हैं। सर, ये बताइए कि नीरज जी ने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की और किन किन एजुकेशन के समय संघर्ष किया है उन्होंने? नीरज ने अपनी प्राथमिक एजुकेशन गोगांव से पूरी की है तथा हायर एजुकेशन दिल्ली IIT से पूर्ण करके बेंगलोर इसरो में ज्वाइन किया था। और पहले भी हम देखते थे कि गाँव में बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं होती थी और काफी परेशानियां और संघर्ष करने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचा है। और शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत जुझारू था और कुछ कर गुजरने की दिल में हमेशा तमन्ना रहती थी उसकी, और उसके चलते ही वो इस उपलब्धि तक पहुंचा है। क्या बचपन में भी इस प्रकार से किसी विज्ञान को लेकर वो कुछ का क्रियाएं क्या करते थे? हाँ, उसका विज्ञान के प्रति काफी रुचि था और सब्जेक्ट भी उसका विज्ञान ही था, और विज्ञान से संबंधित जैसे चंद्रयान वगैरह इस टाइप के जो होते हैं साइंस प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर उसकी ज्यादा रुचि थी। और पढ़ाई भी पूरे मतलब 24 घंटे में 18 घंटे उसने पढ़ाई करी हुई है। क्या नाम लिखते हैं सर? अजय सत्य। सर, ये बताइए कि आज गोगांव के चंद्रयान 2 में नीरज सत्य जी गए हैं, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? मैं इनको बचपन से जानता हूँ, मेरे सामने ये छोटा सा बड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बचपन से ही एक लगन के साथ पढ़े करते थे, इनके भाई लोग भी वैसे ही थे और इनके पिताजी भी इस ओर बहुत ध्यान देते थे। इन्होंने पढ़े पे ध्यान दे के ही बच्चों को आगे तक पहुँचाए और आज मैं गौरव महसूस करता हूँ और गांव के तरफ से भी गौरव महसूस करता हूँ। रात के चंद्रयान 2 के लिए जब हम बैठे तो मैं भी रात में उस चीज़ को देख रहा था कि कब हमारा छोटा भाई नीरज सत्य दिखे। जब वो PM मोदी से हाथ मिलाते हुए दिखे तो मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैं आज अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ कि वो हमारे यहाँ का ग्राम गोगांव का नाम रोशन कर रहा है। क्या नाम लिखते हो और कहाँ के रहने वाले?
मैं नीरज भाई सत्य के सामने ही रहता हूँ, घर के ठीक सामने। मेरा नाम दिलीप सोनी है। और आपका ड्रीम क्या रहेगा? मैं इस चीज के लिए तो बहुत खुशी है मुझे और मेरे चाचू, मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनका स्ट्रगल, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत, वो सब हर बार मुझ में एक अलग जोश भर के जाती है और मुझे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने मेरे रिजल्ट में भी, जो कि मेरा 10th CBSE बोर्ड था, फिर भी मैंने इसमें बहुत ज्यादा अच्छा अचीव किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे चाचू ने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, जैसे मेरे पापा ने मुझे बताया था कि वो दिन में 18 घंटे पढ़ाई करते थे। हर किसी के बस की बात तो नहीं है इतना पढ़ाई करना, पर फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य पे ही नजर रखी, इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकाया और उसी की तरफ तत्पर रहे और मेहनत बहुत ज्यादा करी। और यही कारण है कि वो चंद्रयान 2 जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचीव कर पाए। आप अपने चाचू से क्या ज्ञान प्राप्त करके अपना ड्रीम किस तौर लेके जाएंगे? उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने मतलब अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। और ये मुझ में भी बहुत, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल बात होगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और फ्री में गरीबों का इलाज करना चाहती हूँ, और इसके लिए वो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा और कौन सी पढ़ते हैं? मेरा नाम अविशा सत्य है, मैं 11th क्लास में हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। नीरज सत्य के बचपन के मित्र भूपेन गुप्ता से हम जानना चाहेंगे कि नीरज की किस प्रवृत्ति थी बचपन में और वो किस तरीके से पढ़ी करता था और किस तरह की लगन थी विज्ञान के लिए। आइए जानते हैं भूपेन गुप्ता से। सर ये बताइए कि जो बचपन का आपका मित्र था नीरज सत्य, उसकी पढ़ाई में किस प्रकार की रुचि थी और वो बचपन में किस तरह से कार्य करता था, आइए आप बताइए और क्या जानते हैं आप उसके बारे में? नीरज सत्य और हम प्राइमरी के मित्र हैं, वो गांव के गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। शुरू से ही उनका पढ़ने में बहुत अच्छा मतलब लगाव रहा और 5वीं में जब पढ़ रहे थे तब उस समय नवोदय विद्यालय सरकार की योजना चालू हुई थी, उसकी एक एग्जाम आई थी, उन्होंने अच्छे नंबर से पास करी और उसका धनावत सिलेक्शन हुआ जहाँ जूनापानी है, वहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी। इस दौरान जब भी मिलते थे फोन पे बात होती थी, उनका साइंस और विज्ञान विषय में काफ़ी लगाव रहा। साइंटिस्ट बनने की सोच शुरू से उन्होंने दिमाग में रखी थी, कुछ विज्ञान से करना है। मिशन चंद्रयान 1 में जब उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तब भी उन्होंने सारी बातें बताई, शेयर करी थी और तब उन्हें काफ़ी खुशी थी। चंद्रयान 2 के लिए भी विगत एक वर्ष से ज़्यादा से गंभीर रूप से उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे। उनका एक मिशन था, बहुत बड़ा सपना था और विज्ञान में काफ़ी रुचि रही है शुरू से बचपन से, पढ़ने में तो एक नंबर है, तो इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंचे। सर आप कितने मित्र थे और उसमें से कितने लोग इस पोस्ट पे पहुंचे हैं? नहीं, हम उस समय प्राइमरी में तो 2-3 मित्र ही थे, लेकिन जो ये नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट की जो एक नवोदय विद्यालय की योजना वैसे ही शुरू हुई थी तो उसमें उन्होंने अच्छे नंबर से उस परीक्षा को पास किया था, तो उनका जूनापानी सनावत में सिलेक्शन हुआ, यहाँ से वो सनावत। क्या नाम लिखते हैं और कहाँ पे रहते हैं? मैं भूपेंद्र गुप्ता, यहाँ गोगांव। आज हम पहुँच रहे हैं चंद्रयान 2 के सदस्य दल के सदस्य नीरज सत्य के घर, जिन्होंने अभी भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, उस चंद्रयान 2 के दल में नीरज सत्य थे और वो खरगोन जिले के ग्राम पंचायत स्तर के ग्राम गोगांव के रहने वाले थे और उन्हीं के परिवार से हम आज जानना चाहेंगे कि उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया है और कैसे उनका जीवन बिताए। हम जानने के लिए उनके बड़े भाई अजय सत्य और उनकी माता जी से जानते हैं, आइए अजय सत्य से जानना चाहते हैं। माँ भी यही बात हुई थी, बाहर भी करी तो उन्होंने भी बोले चर्चा अपने अपना में बड़ी उपलब्धि है तो उनको जब काम करना होना चाहिए ना। वैज्ञानिक मन। तो देखा आपने, एक गांव के मध्यम परिवार का एक लड़का आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाकर बधाई दी। जो सत्य ने सत्य कर दिखाया यह एक अकल्पनीय है, इसलिए नीरज का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश नीरज पर गर्व कर रहा है। समाचार एक्सप्रेस की पूरी टीम भी उन्हें बधाई देती है और उम्मीद करते हैं कि नीरज देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।